नमस्कार दोस्तों, आज दोस्तों एज डिफरेंस के अगले पार्ट में बात करेंगे। कल हमने बात की थी कि जीवन साथी बड़ा होगा, उसके लिए हमने शनिदेव को डिनोट किया था। अगर आपका जीवन साथी आपसे एज में छोटा है तो आपको दो ग्रहों को देखना है। एक तो आपका बुध है जिसे हम मरकरी कहते हैं, और दूसरा जो आप ग्रह को देखना है वो आपको ध्यान रखना है मंगल का। जी हाँ, मंगल को ध्यान रखना है, मंगल को हम मार्स भी कहते हैं। इन दोनों ग्रहों का इम्पैक्ट हमने आपके सप्तम भाव में देखना है। अगर इन दोनों में से किसी भी घर का इम्पैक्ट आपके सप्तम भाव में है तो आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपसे एज में डिफरेंस होगा। अगर मेल की कुंडली है तो फीमेल आपका कम होगा आपसे एज में, अगर फीमेल की कुंडली है तो मेल जातक आपसे एज में कम होगा। चलिए देखिए, जैसा कि पहले ही कहा था कि हर प्लैनेट की सातवीं आई होती है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और बुध की सिर्फ एक ही आई होती है, जिसे हम सातवीं कहते हैं, दृष्टि होती है। मंगल की जो होती है तीन दृष्टियां होती है, एक उसकी चार होती है, एक सात होती है और एक आठ होती है। तो अब हमने इन पे फोकस करना है। दूसरा चीज, जो आपका बुध होता है वो मंगल देव से छोटा होता है एज में। बुध को जो कहते हैं राजकुमार की उपाधि दी गई है, इसे प्रिंस भी कहा जाता है हमारे एस्ट्रोलॉजी विज्ञान में, एस्ट्रोलॉजी शास्त्रों में। दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी रुकावट डालेंगे और आपसे निवेदन है कि हमारी ऐप हेल्थ टिप टिप्स मार्केट में आ चुकी है। अगर आपके हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई वैदिक रेमेडीज आपको जाननी है, तो ऐप को डाउनलोड कीजिए। कैटेगरी वाइज इसमें सेगमेंट किया गया है और आप वहां से अपनी प्रॉब्लम को देख सकते हैं और उसकी रेमेडीज भी बहुत सारी दी गई हैं, घरेलू नुस्खे आप अपना सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए, अगर जैसा मैंने कहा कि बुध जो होता है मंगल से छोटा होता है, अगर बुध या मंगल में से किसी का भी यहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है, कहने का तात्पर्य है अगर आपकी कुंडली में यहाँ पे बुध बैठा हुआ है तो आपकी जो वाइफ होगी आपसे एज में कम होगी, ठीक है। या फिर अगर बुध देव आपकी कुंडली में यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि सातवीं दृष्टि होती है, तो डेफिनेटली जो बुध देव है वो आपके लग्न में बैठेंगे। तो लग्न देव से अगर बुध देव यहाँ पे देख रहे हैं तो आपकी जो वाइफ होगी वो भी आपसे एज में कम होगी। चलिए, ये तो बुध के केस में हो गया। अब मंगल का केस देख लेते हैं। अगर आपकी कुंडली में मान लीजिए यहां पे बुध नहीं बैठे हुए हैं, यहां पे मंगल देव बैठे हुए हैं, तो मंगल देव के केस में जो आपकी जो वाइफ होगी आपसे एज में तो कम होगी, बट उतनी कम नहीं होगी जितने बुध के केस में होगी। अगर बुध आपके लग्न भाव में बैठा हुआ है और लग्न भाव से आपके सप्तम भाव को देख रहा है, तो कंडीशन सेम अप्लाई हो रही है। आपकी वाइफ आपसे एज में कम होगी, या आपका लाइफ पार्टनर, आपका मेल पार्टनर भी आपसे एज में कम होगा। चलिए, सातवीं दृष्टि हमने इनकी भी देख ली, इनकी भी देख ली। अब चौथी दृष्टि देख लेते हैं। अगर चौथी दृष्टि क्या पड़ रही है, चौथी दृष्टि से मतलब क्या है, अगर मंगलदेव आपके इस वाले घर में बैठे हुए हों, अगर मंगलदेव अपने चतुर्थ भाव में बैठे हुए चौथे वाले घर में बैठे हो, तो यहां से पहली दृष्टि, दूसरी दृष्टि, चौथी दृष्टि, चौथी दृष्टि, यहां से चौथी दृष्टि भी कहीं ना कहीं वो आपके इंपैक्ट कर रही है। तो चौथे भाव से भी वो आपकी चौथी दृष्टि से भी आपके जो लाइफ पार्टनर है वो आपसे एज में आपको कम बना रहे हैं। चलिए, ये तो आपका चार का भी कंसेप्ट यहां क्लियर हो गया। अब हम आठवीं को देखते हैं। यहां से सातवीं दृष्टि है, तो मंगल अगर यहां पे आपके ग्यारहवें आपके बारहवें भाव में होगा, तो डेफिनेटली यहां से उसकी आठवीं दृष्टि जो है वो आपके स्पाउस वाले पार्टनर में पड़ेगी। तो देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, जी हाँ, तो ये आठवीं दृष्टि सीधे मंगलदेव की आपके यहां पे पड़े स्पाउस पे, तो आपका जो पार्टनर होगा वो आपसे एज में कम होगा। दोस्तों एक चीज यहां पे बता दें कि ये एक रिसर्च के, कई सारी कुंडलियों के रिसर्च के आधार पे मैं ये बता रहा हूं आपको। कंडीशन ये अप्लाई होती है काफी हद तक, लेकिन अगर किसी जातक की जातिका की कुंडली में नहीं अप्लाई हो रही है, तो उस चीज में हमें इनकी डिग्रियां भी देखनी है और इनके ऊपर किन ग्रहों का बाहर से प्रभाव पड़ रहा है, उन चीजों को भी ध्यान में रखना है। तो कमेंट में कमेंट डालिए और पूछिए जरूर, लेकिन अगर अपनी डिग्रियां जरूर आप देख लें तो तभी आपको ये चीजें समझ में आएगा। देखिए, पूरी इस दृष्टियों के बारे में हमारी वीडियोस बनाई हुई है हमने स्टार्टिंग में, आप हमारी वीडियोस कुंडली पार्ट में देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। और तभी आप अगर वीडियो को आप हमारी स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं, तो ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। कोई इसमें कोई बड़ा रोल नहीं है समझने के लिए, कुछ स्पेशल चीजों को करने की जरूरत नहीं है, बस कुंडली को लाइन से देखिए, नोट्स बनाते जाइए और यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा।
तो दोस्तों ये था आपकी कुंडली में आपका लाइफ पार्टनर आपसे एज में छोटा होगा, और छोटे होने के लिए आपको दो ग्रहों को ध्यान रखना है, कौन कौन से, बुध देव को और मंगल देव को। साथ ही साथ आपको दृष्टियों का ध्यान रखना है और उनकी डिग्रियां कितनी है, नीच का है तो भाई और ज्यादा खराब रिजल्ट देगा, उच्च का है तो अच्छा रिजल्ट देगा आपकी कुंडली में। साथ ही साथ में बाहर से किन किन ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है वो चीज भी आपको देखना ही देखना है, तभी आपको ये चीजें समझ में आने वाली हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर ले, बेल पर प्रेस कर ले, कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में डालें, और हमारी ऐप ज्योतिष घर को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें फॉर एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन के लिए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।